पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज की जब भी चर्चा होती है ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ पुराने किले, टूटे फूटे खंडर, टूटे फूटे पुराने मकान और कुछ रोड आते हैं, और बहुत हद मारे ना तो हमारे दिमाग में जंगल आने शुरू हो जाते हैं। पर क्या आपने सोचा है कभी कि रेलवे स्टेशन भी हॉन्टेड हो सकते हैं? सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम दीप्ति है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की चर्चा करेंगे, और साथ ही उन रेलवे स्टेशन में से कितने रेलवे स्टेशन पर एग्जैक्टली रियलिटी में भूत डिटेक्ट हुआ है, उन क्लिप्स को देखेंगे। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं इंडिया के पहले टॉप हॉन्टेड रेलवे स्टेशन से। पहले नंबर पर आता है बड़ोक, हिमाचल का ये रेलवे स्टेशन। ऐसा कहा जाता है कि चीड़ और देवदास के पेड़ों से घिरा हुआ ये जंगल अत्यंत सुंदर है, और इसकी सुंदरता किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ऑल्दो ये जंगल उतना फेमस नहीं है, ऐसा डिटेक्ट हुआ है कि वहाँ पर एक टनल नंबर 33 है, उस सुरंग के पास बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी गई हैं, तो इसके चलते उस जंगल और उस टनल के आसपास कोई भी नहीं जाना चाहता। अपनी भूतिया एक्टिविटीज़ के कारण अगर कोई रेलवे स्टेशन 40 साल तक बंद रहे, तो इसे देखकर मैं ज़रूर कहूँगी कि हाँ भाई, भूत होता है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के स्थित बगुनकोडोर रेलवे स्टेशन भूतिया कहानियों के कारण पिछले इतने सालों से बंद है कि यहाँ पर दिन ढलने के बाद कोई जाता ही नहीं है। इनफैक्ट एक रेलवे मास्टर थे जो यहाँ पर रात को रुके, और उन्होंने एक औरत का साया देखा, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, और ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं बचा था। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि भाई 42 साल तक अगर कोई रेलवे स्टेशन बंद रहा है, तो सच में वो भूतिया रेलवे स्टेशन होगा। तो आप लोगों को भी मेरी यही सलाह है कि ऐसे रेलवे स्टेशन से दूर रहना। ऐसा कहा जाता है कि जिसकी मृत्यु आकस्मिक होती है या फिर कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और उसके चलते उनकी आत्मा भटकती रहती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में RPF और TTE ने मिलकर CRPF जवान की बहुत पिटाई की, और पिटाई के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पिटाई के दौरान हुई थी, तो स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि आत्मा न्याय के लिए आज भी वहां भटकती है। अब आते हैं प्यारी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन पर। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर एक औरत की आत्मा भटकती है, और रात के टाइम पर ना इस रेलवे स्टेशन के आसपास कोई भी आपको नहीं दिखाई देगा। बेसिकली वहाँ है क्या, द्वारका स्टेशन से नीचे उतरकर एक पेड़ जो कि रोड के बीचों बीच है, जिसे भूतिया पेड़ कहा जाता है, और वहाँ पर लोगों ने आस्था के चलते बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ रखी है, ताकि वो जो साया है दूर रहे उस एरिए से। और वहाँ एक शमशान घाट भी है, और उसका मैंने नाइट व्लॉग बनाया जो कि भरी सर्दी में बनाया था, और सच बताऊँ वो एक बहुत ही स्केरी एक्सपीरियंस था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अक्सर आपने अपने बचपन में अपने बड़ों को ये कहते सुना होगा कि किसी भी चीज़ से इंतहा प्यार जो है बहुत खतरनाक होता है। तो ये किस्सा है लुधियाना जिले के एक रिजर्वेशन काउंटर पर काम करने वाले सुभाष नाम के बंदे का। वो इंसान अपने काम से इतना प्यार करता था कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसको उसी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर काम करते देखा गया। उसके बाद से वहाँ के लोग इतने ज़्यादा डर गए कि उस रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड रेलवे स्टेशन का नाम दे दिया गया, और वहाँ पर लोग आज भी जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो नेक्स्ट है मुलुंड, मुंबई का रेलवे स्टेशन। अक्सर आपने कुछ वीडियोज़ देखे होंगे कि ट्रेन ट्रैक पार करते हुए कुछ लोग मर जाते हैं, या कुछ लोग जान के सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसे में उनकी जो आत्माएं हैं वहां भटकती हैं। तो सेम ऐसा कहा जाता है इस रेलवे स्टेशन के बारे में कि यहां पर लोगों की चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ें आती हैं। इनफैक्ट ये किस्सा तो पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था। मैं दिल्ली से जयपुर ट्रैवल कर रही थी जब मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पर एक लेडी ने चलती ट्रेन के नीचे जो है सुसाइड कर ली थी, और उसके बाद उस ट्रेन की किसी ने बेल्ट खींची, लाइक चेन खींची, और ट्रेन हमारी बीच में रुक गई, और एक से डेढ़ घंटे तक
ट्रेन रुकी रही थी। तो ये है नैनी रेलवे स्टेशन यूपी का। यहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने के साथ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि स्टेशन के पास स्थित नैनी जेल में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स बंद थे, जिन्हें खूब टॉर्चर किया गया और टॉर्चर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। देन नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश के खंडवा के पास स्थित रेलवे स्टेशन। इसे बहुत ही हॉन्टेड माना जाता है। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानी तात्या मामा भील को मारकर फेंक दिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा है कि जब भी कोई ट्रेन वहां से गुजरती है तो उस समाधि पर स्टॉपेज लिया जाता है और फिर सलामी दी जाती है, और सलामी देने के बाद फिर वो ट्रेन आगे गुजरती है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है लोकल पीपल का कि अगर ट्रेन समाधि को सलामी नहीं देगी तो दुर्घटना हो जाएगी। द लास्ट इज रविंदर सरोवर मेट्रो स्टेशन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की ट्रेन ट्रैक पर डेथ हुई थी, उसके चलते उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। इनफैक्ट काफी सारे लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखा है। और इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 10 बजे स्टेशन को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद से यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं गुजरती। तो डेफिनेटली ये वाला स्टेशन भी ना बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होगा, नहीं तो इतनी आसानी से कोई भी रेलवे स्टेशन 10 बजे बंद नहीं होता। सो गाइस, ये थे इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड वाले रेलवे स्टेशन। क्या पर्सनली आपने किसी स्टेशन पर किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने फील किया है द्वारका सेक्टर 9 में। भाई कुछ तो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती होंगी, उसी के चलते या तो उन स्टेशन को बंद कर दिया जाता है या उनका एक लेट टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इसके बाद यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरेगी और ना ही कोई बंदा आएगा जाएगा। सो अब हम चलते हैं उन क्लिप्स पर जो कि रेलवे स्टेशन पर डिटेक्ट हुई है, यानी कि लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैमरे में कैद किया। तो यहाँ पर एक क्लिप है मेरे पास, मुझे ये नहीं मालूम है कि रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो बहुत बड़ा तो रेलवे स्टेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या होगा, मुझे ऐसी क्लिप्स देखते हुए खुद भी डर लगता है। एक साया आया और देखने में मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है किसी मेल का साया है, और एकदम से गायब हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था इस बंदे को देख के, इस साए को देख के, कि ये बेंच पे बैठेगा, बट ये थोड़ा सा आगे आया और एक ही झटके में दूसरी तरफ चला गया और अचानक से फिर गायब हो गया। मतलब दिन के टाइम इस तरह की एक्टिविटी। देन सेकंड क्लिप है, ये भी दिन की ही क्लिप है, बट जिस तरह का ये साया मुझे दिखाई दे रहा है, इट इज़ समथिंग लाइक, ये थोड़ा अनरियल लग रहा है। मतलब इसको मैं रियल नहीं बोलूँगी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। ये रात का टाइम है और क्या होगा भाई, जाली में से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर एक साया घूम रहा है स्टेशन पर, और एकदम अचानक से वो डिसअपीयर हो रहा है। ऐसा लग रहा है ऊपर से कोई बंदा इसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आप इस बंदे की जगह होते तो क्या आप लोग वीडियो बनाते या वहाँ से 9-2-11 हो जाते। तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ रेलवे स्टेशन पर देखी जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है रेलवे स्टेशन का बंद करना तो बिल्कुल जायज सी बात है, क्योंकि उस स्टेशन पर इंसानों का कम और भूतों का वास ज़्यादा हो जाएगा। सो गाइस, मेरे पास ये रियल क्लिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की कोई रियल क्लिप है तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड करना, मेरी इंस्टा आईडी ये नीचे है। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन दबा देना, भाई फ्री में होता है ये सब कुछ, और यार शेयर भी कर देना। कमेंट सेक्शन में आपको सबसे स्केरी रेलवे स्टेशन कौन सा लगा ये ज़रूर बताना। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस तरह की नई वीडियोस के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखो। बाय।